हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूं, जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। पहली टिप दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ले लेना है एक बाथिंग सोप जिसकी फ्रिक्वेंसी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, और ले लेना है कुछ लौंग, और इस लौंग को आपको इस साबुन के अंदर लगा देना है। जब आप इस तरह से इसे लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा और सारी लौंग इस तरह से खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको 8 से 9 लौंग साबुन में लगा देना है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस साबुन का हमें क्या करना है। अब इस साबुन और लौंग को हमें एक प्लेट में रख देना है और इसे ले चलना है अपने अलमीरा के पास। तो इसे हमें अपने अलमीरा के अंदर रख देना है। दोस्तों, हमारे अलमीरा के अंदर नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों में से सीलन की बदबू आती है और छोटे मोटे कीड़े वगैरह जैसे झिंगुर कॉकरोच हमारे अलमीरा में आ जाते हैं। तो जब आप साबुन में लौंग लगाकर कपड़ों को अलमीरा में रखेंगी तो इसमें कोई भी झिंगुर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और जो भी नमी होगी वो नमी नहीं होगी और आपके कपड़ों से सीलन की बदबू नहीं आएगी। क्योंकि साबुन में लौंग लगाने की वजह से ये ऐसा रिएक्शन करता है कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह होते हैं वे इसके आसपास भी नहीं आते हैं। और जब भी आप अपनी अलमीरा खोलेंगी एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू पूरे अलमीरा से आएगी और जो भी कीड़े मकोड़े होंगे नमी होगी वो अलमीरा में बिल्कुल भी नहीं होगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूज़फुल टिप। दोस्तों, दूसरी टिप है इस तरह के बेकार पड़े बॉटल को लेके। तो आज इस बेकार पड़े बोतल का हम रीयूज़ करेंगे। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बेकार पड़े बॉटल का रीयूज़ बताया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियो में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बॉटल के ऊपर के लेवल को हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम लेंगे बॉटल का कैप। दोस्तों, ये टूल बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे एक बार बच्चों को बनाकर देंगी तो वे इस काम को बहुत ही मज़े से करेंगे। तो पहले हमें इसके ढक्कन में छेद बना देना है। तो छेद बनाने के लिए आप सुई की मदद ले सकती हैं, सेफ्टी पिन की मदद ले सकती हैं, या फिर इस तरह से कांटे को गर्म करके उससे भी छेद कर सकती हैं। तो कांटे काफ़ी गर्म थी तो मैं कपड़े की मदद से इसे पकड़कर ढक्कन में छेद बना रही हूँ। देखिए, मैंने 5 से 6 इसमें छेद बना लिए हैं। अब हम बॉटल में पानी भर लेंगे और इस ढक्कन को लगा देंगे। अब चलते हैं हम अपने गार्डन की तरफ। अब इस बॉटल से हम अपने पौधों में पानी देंगे। बच्चों से जब आप कहेंगे तो वो बहुत ही मज़े से इस काम को करेंगे। इस तरह से बॉटल से पानी देने पे पानी एक बराबर पौधों पर जाता है और जब हम पाइप या मग्गे से पानी देते हैं तो पौधों के जड़ों पर पानी जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी हट जाती है और पौधे हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बॉटल को बना कर रखिए और अपने पौधों को पानी दीजिए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। दूसरी टिप दोस्तों इस तरह के नेट बैग को लेकर है। इस तरह का नेट बैग हमें अधिकतर खिलौनों के साथ या फिर ग्रॉसरी के कुछ सामानों के साथ मिलता है, जिसमें से हम सामान निकाल कर इसे बेकार समझ कर फेंक देते हैं, मगर ये नेट बैग हमारे बहुत ही काम आने वाला है। इससे हम कई काम कर सकते हैं। पहले तो हमें इस नेट बैग को ऊपर से घुमाते हुए गोल गोल नीचे की तरफ ले जाना है और इसे पूरा गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। आप चाहे तो इसे टक भी कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा स्क्रबर बनकर तैयार हो गया है। जो स्क्रबर हम बाहर से बाजार से महंगे महंगे दामों में खरीद कर लाते हैं, वो स्क्रबर हमारा बिना पैसे के ही तैयार हो गया। अब आप इसे अपने हाथों पैरों की सफाई कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप एक जगह और कर सकते हैं। इसे आप अपने नॉन स्टिक बर्तनों को साफ कर सकते हैं। इस तरह के सॉफ्ट नेट बैग के स्क्रबर से जब आप नॉन स्टिक बर्तन साफ करेंगे तो आपके नॉन स्टिक बर्तन अच्छी तरह से साफ भी हो जाएंगे और इस पे निशान भी नहीं पड़ेगा।
और इस नैप बैग का आपको मैं और भी प्रयोग बताती हूँ। इसका प्रयोग आप लहसुन, प्याज या फिर आलू को रखने के लिए कर सकते हैं। पहले जब खेत से लहसुन प्याज आता था तो उसमें डंडियाँ लगी होती थी और उसे लोग ऐसे ही टांग देते थे, मगर अब बाजार से जब हम लहसुन और प्याज लाते हैं तो उसमें डंडियाँ नहीं लगी होती हैं। तो आप इस नेट बैग में लहसुन प्याज को डालकर इसे टांग दीजिए, जिससे आपके लहसुन प्याज में हमेशा हवा लगती रहेगी और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से एक साधारण से नेट बैग से आपके ढेर सारे काम हो सकते हैं। तो इसे फेंकने की बजाय आप इससे ढेर सारे काम ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी दूसरी टिप है दोस्तों गैस को लेकर। जब हम अपने चूल्हे को जलाते हैं तो जब इस तरह की फ्लेम निकलती है तो इससे हमारे बर्तन तो गंदे होते ही हैं, गैस भी हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट होता है। तो इसके लिए आप एक छोटी सी टिप फॉलो कर सकते हैं। आप ले लीजिए विक्स, या फिर अगर आपके पास विक्स नहीं है, झंडू बाम है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब हमें बर्नर को निकाल लेना है और थोड़े से विक्स को हमें हाथों में ले लेना है। उसके बाद इस बर्नर के बाहरी हिस्से में हमें इसे लगा देना है और अंदर के हिस्से में भी इसे हमें लगा देना है। देखिए इस तरह से हमें बर्नर के बाहरी हिस्से में और अंदर के हिस्से में लगा देना है। अगर आपकी फ्लेम लाल आ रही है तो आप बर्नर के अंदर भी इसे लगा दीजिए। तो इसे हमें हल्का हल्का लगा देना है। देखिए मैंने बर्नर पर विक्स अच्छी तरह से लगा दिया है। अब जो बर्नर के अंदर का हिस्सा है जहाँ पर हम इसे रखते हैं उसकी भी सफाई हमें अच्छी तरह से कर लेनी है। तो इसे साफ़ करने के लिए आप कपड़ा, नैपकिन, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अगर ये हिस्सा गंदा रहेगा तो आपका फ्लेम लाल जलेगा। तो इसे साफ़ करने के लिए आप कपड़ा, नैपकिन, किसी का भी मदद ले सकती है और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। जो भी कालिक होगी वो कपड़े और नैपकिन में चली आएगी। तो मेरे बर्नर के अंदर का हिस्सा गंदा नहीं था, बहुत ही कम गंदा था। तो आप इसे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद बर्नर को सेट कर दीजिए। अब आप चूल्हे को जलाएंगी तो आपको रिजल्ट तुरंत ही मिल जाएगा। न तो बर्नर आपका लाल जलेगा और न ही फ्लेम इधर उधर से आएगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों बहुत से लोगों को शर्ट टांगना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो क्या करते हैं, हैंगर में इस तरह से शर्ट को टांग देते हैं, जिसकी वजह से शर्ट बार बार हैंगर से सरकती रहती है, या फिर धुल कर सूखने के लिए भी डालते हैं तो वो इसी तरह से डालते हैं, जिसकी वजह से बार बार शर्ट हैंगर से सरकता रहता है या फिर गिर जाता है और हमें बार बार इसे सही करना पड़ता है। तो शर्ट टांगने का सही तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए शर्ट में ये हिस्सा बना हुआ होता है जो कि हैंग करने के लिए होता है, जो कि बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है और वो गलत तरीके से शर्ट को हैंग करते हैं। तो जो ये वाला लूप बना हुआ है उसमें हमें हैंगर को फंसा देना है। देखिए इस तरह से हमें हैंगर को इसमें डाल देना है। इस लूप में हैंगर को डालने के बाद अब आप शर्ट को टांगिए। अब आप इसे किसी तरह भी टांगेंगी ये बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है और ना ही गिरने वाला है। अगर ये गिरता भी है तो हैंगर में ही टंगा हुआ रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। किस किस को ये टिप पता थी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप हमारी इस तरह के बेकार पड़े चार्जर को लेकर है। जब मोबाइल चार्जर बेकार हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं, मगर कोई भी सामान बेकार नहीं होता है, हम उसे कहीं ना कहीं यूज़ में ला सकते हैं। तो पहले हमें इस तार को निकाल देना है और जो चार्जर का एडाप्टर है उसे हमें ले लेना है। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे मोबाइल स्टैंड के रूप में। दोस्तों बच्चे अधिकतर कार्टून वगैरह देखते हैं तो उन्हें इस तरह से चार्जर में मोबाइल लगाकर दे दीजिए। अब उनसे कहिए कि वो दूर से जो भी देखना हो वो देखें, इससे उनके आँख भी नहीं ख़राब होगी और वे मज़े से अपना कार्टून आसानी से देख सकेंगे। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों जब हम स्टील के बर्तन लाते हैं तो उसमें इस तरह के स्टिकर
चिपके होते हैं और जब इन्हें हम हाथ से निकालते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं निकलते हैं, और अगर निकलते भी हैं तो आधा स्टिकर इसी बर्तन में रह जाता है जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आप नए बर्तन ले आइए, आप इसे हल्का सा गैस पर गर्म कर दीजिए। देखिए इस तरह से आपको उलट पलट कर हल्का सा इसे गर्म कर लेना है। जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे आप देखेंगे स्टिकर अपने आप ही निकलने लगा है। तो स्टील का बर्तन गर्म चीज़ को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो बर्तन काफ़ी गर्म हो गया है तो इसे मैं कपड़े की मदद से पकड़ रही हूँ और नाइफ़ की मदद से निकाल रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से स्टिकर निकल गया है। इसे आप हल्के हल्के से निकालिए जिससे इसमें निशान ना पड़ने पाए। देखिए स्टिकर कितनी आसानी से निकल गया है, और जो इसमें स्टिकर का दाग लगा हुआ है इसे साफ़ करने के लिए आप स्क्रबर की मदद लीजिए। स्क्रबर से इसे आप हल्का सा साफ़ कर लीजिए। जैसे ही आप साफ़ करेंगे स्टिकर का जो गम है वो पूरी तरह से निकल जाएगा और बर्तन आपका पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा। देखिए स्टिकर का जो दाग था वो निकल गया है। अब इसे आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। आपका बर्तन पूरी तरह से साफ हो गया है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।